Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss online teaching as a challenge for teachers. Let us start. Let us start. Online teaching indeed presents several challenges for teachers, why it offers flexibility and accessibility. It also comes with its own set of difficulties. Some common challenges faced by teachers in online teaching. जैसा कि ऑनलाइन टीचिंग के बहुत से फ़ायदे हैं और इसके फायदे के साथ साथ ये कुछ चैलेंज भी रखती है इसमें कुछ मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है एक टीचर को ठीक है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें एसेसिबिलिटी होती है लेकिन फिर भी इसमें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है ठीक तो है तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं जो कि टीचर को फेस करने पड़ते हैं इन ऑनलाइन टीचिंग तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल इशूज़ इंटरनेट क्नेक्टिविटी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में फेस इशूज़ विद इंटरनेट कनेक्टिविटी डीडिंग टू डिस्टर्पन्स इन क्लासेस पहला जो प्रॉब्लम है जो डिफ़िकल्टी है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी टीचर को और स्टूडेंट को इंटरनेट से रेलिवेंट प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं हो सकते हैं उनके पास वाईफाई ना हो उस वक्त लाइट ना हो या फिर एरिया ऐसा हो जहाँ पर सिग्नल्स ना आते हों तो इस तरह के मसले मसाइल ऑनलाइन टीचिंग को डिस्टर्ब करते हैं क्लास ऑनलाइन क्लास लेने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डिसकनेक्शन ऑफ इंटरनेट नेक्स्ट टेक्निकल ग्लिकस प्रॉब्लम्स विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैन इम्पेड द स्मूथ फ्लो ऑफ द क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है टेक्निकल गली चीज़ मीन्स की आपके पास सॉफ्टवेयर वो नहीं है वो एप्लीकेशन नहीं है आपकी उस सॉफ्टवेयर तक रसाई हासिल नहीं है तो इस तरह का जो चैलेंज है जो प्रॉब्लम है ये भी ऑनलाइन क्लास को डिस्टर्ब करता है ऑनलाइन लर्निंग पर इसका भी इफ़ेक्ट होता है नेक्स्ट अडोप्टिंग टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस समीचर्स में स्ट्रगल विद अडोप्ट एंड इफेक्टिवली टनोलॉजीज एंड ऑनलाइन प्लेटफार्मस अब जो नेक्स्ट uh, प्रॉब्लम uh, है वो ये है कि कुछ टीचर्स को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ठीक है उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकते हैं ना आता हो तो इससे भी हमारी ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब होती है तो ये भी एक चैलेंज है ठीक है ऑनलाइन क्लास में जो कि टीचर को फेस करना पड़ता है टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट नेक्स्ट डिजिटल लिटरेसी बहुत टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में नीड टू इन्हांस देयर डिजिटल लिटरेसी स्किल्स टू नेक्टिवेट ऑनलाइन रिसोर्सेज इफेक्टिवली अब यहाँ पर कहा गया है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए चाहिए कि वो अपनी डिजिटल लिटरेसी स्किल्स को प्रमोट करें उसको बढ़ाएं ठीक है कि रिसोर्स कैसे यूज़ करने हैं ऑनलाइन क्लास कैसे रहनी है ऑनलाइन uh, टीचिंग क्या होती है टेक्नोलॉजी मीन्स uh, कि जो ऑनलाइन टीचिंग में जो टूल्स यूज़ होती हैं वो कैसे हमें यूज़ करने हैं ठीक है, है उनका कैसे इस्तेमाल करना है तो वो कैसे यूटिलाइज़ करें ये सारा uh, टीचर और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो सारा नॉलेज हासिल करें नेक्स्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट लैक ऑफ इंट्रक्शन ऑनलाइन लर्निंग कैंड लिमिट था अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेल टाइम इंट्रक्शन एंड एक्टिव पार्टिसपेशन लीडिंग टू रिड्यूस्ड इंगेजमेंट अब जो नेक्स्ट चैलेंज बताया गया वो ये है कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है मीन के स्टूडेंट्स को मशगूल करना टीचिंग में सबसे पहला जो है ना उसमें ये होता है आ, कि टीचर और स्टूडेंट का इंट्रक्शन नहीं होता फेस टू फेस इंटरक्शन ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से हमारी लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती हमारी टीचिंग पर भी असर असर उसका पड़ता है ठीक है तो जैसा कि फिज़िकल क्लास में आ, टीचर और स्टूडेंट्स का फ़ेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है और स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट करता है और अपनी लर्निंग पर फोकस करता है तो ऐसा ऑनलाइन टीचिंग में नहीं होता इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तो इसमें जो हमारे इंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की वो आ, कम होती है ठीक है वो हम हमसे मशगूल नहीं हो पाते अपनी टीचिंग में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हूँ ऑनलाइन टीचिंग में नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शंस स्टूडेंट्स में फेस मोर डिस्ट्रैक्शंस एट होम मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर देम टू फोकस ऑन द लेसन कुछ स्टूडेंट्स के घर पर शोर होता है ऐसा स्टडी का माहौल नहीं होता कि वो अपनी टीचिंग पर फोकस कर पाए हो सकता है उनके घर शोर वाली जगह पर हो या फिर उनके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा करते करती हूँ है या उनके पास कोई ऐसा इन्वामेंट सेफ़ ना हो जहाँ पर वो बैठ कर पुरसकून माहौल में अपनी स्टडी कर सकें तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट हमारे पास uh, है टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज वर्कलोड प्रिपेयरिंग एंड ड्रेविंग ऑनलाइन लाइसेंस मैनेजिंग डिजिटल असाइनमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक कैन बी टाइम कंज्यूमिंग अब नेक्स्ट चैलेंज बताया कि वो ये है कि इसमें वर्क लोड हो जाता है ठीक है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमने अपना ऑनलाइन पहले कोर्स अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है ठीक है देन हम हमने जो अपने असाइनमेंट्स हैं डिजिटल असाइनमेंट्स उनको मैनेज करना है कि हमने कैसे असाइनमेंट्स देने है उनसे और कोई कौन सा टूर चूज़ करना है ठीक है उनको चेक करना है और नेक्स्ट उसके बाद हमने उनको टाइमली फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है असाइनमेंट्स दी हमने चेक की उनको फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है कि ये सारा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पहले कंटेंट क्रिएट करो ठीक है फिर उसका टाइम फिक्स करो किस टाइम क्लास देनी है फिर असाइनमेंट्स लेना उनसे उनको चेक करना उनको फीडबैक प्रोवाइड करना ये सारा प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन टीचिंग ऑनलाइन एंड हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मे डी टू इंक्रीज स्ट्रेस अब जो हमारा ये प्रोसेस होता है ऑनलाइन टीचिंग का ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स uh, को पढ़ाना फिर उसमें जो टास्क होते हैं असाइनमेंट्स का और जो फीडबैक रिज़ल्ट वगैरह होते हैं ठीक है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना ये सारे जो मसले मसाइ हैं इन सबको हैंडल करना कैसे रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है ये सारे इसमें क्या होता है इसमें ये सारे हमारे जो टीचर हैं हमारे उनका स्ट्रेस इनक्रीज़ करते हैं ठीक है तो रिस्पॉन्सबिलिटी को बैलेंस करना जिम्मेदारियों को आ, निभाना ठीक है उनमें बैलेंस करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट सोशल वेल्पिंग आइसोलेशन द लैक ऑफ फ़ेस टू फेस इंट्रेक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अब जो सबसे पहले सोशल वेल्पिंग का आ, जो चैलेंज है उसमें यह है कि स्टूडेंट्स का फेस टू फेस इंट्रक्शन तो नहीं होता टीचर के साथ और ना ही उनके पेयर्स उनके हम जमात उनके साथ होते हैं तो टीचर इसमें स्टूडेंट्स टीचर इसमें नहीं होते तो स्टूडेंट्स तो अकेले होते हैं ठीक है ऑन एंडी जी में तो इसमें वो तनहाई को फीड करते हैं ठीक है वो अकेले अपने आप को अकेलापन अकेला फील करते हैं तो इसकी वजह से भी उनकी लर्निंग पर इफ़ेक्ट होता है फ़ेस टू फेस इंट्रेक्शन का ना होना उनके लिए तन्हाई का बाइस बनता है नेक्स्ट मेंटल हेल्थ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग में द मेंटल वेल्पिंग ऑफ द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स और अगर ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है वो यह है कि स्टूडेंट्स की और टीचर की सेहत भी ठीक नहीं रहती उनकी जहनी सेहत पर बहुत बड़ा असरअंदाज होता है नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन अससीबिलिटी इंश्योरिंग दैट ऑनलाइन मटेरियल्स एंड प्लेटफॉर्म आर असेसिबल टू आल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दो विद डबिल्डीज कैन बी चैलेंज अब ये चैलेंजिंग मीन्स के अब हर स्टूडेंट की थोड़ा रसाई नहीं होती ना ऑनलाइन क्लास में हर हो सकता है किसी स्टूडेंट तक मटेरियल ना पहुंचा हो हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास वो ऑनलाइन वो टेक्नोलॉजी ना हो तो इसमें इस बात को ये नहीं दिलाना कि तमाम स्टूडेंट्स की जो रसाई है वो ऑनलाइन प्लेटफार्म तक ऑनलाइन कंटेंट तक है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है ठीक है टीचर इंश्योर नहीं कर सकता कि तमाम स्टूडेंट इसीलिए असेसिबल मींस के असेस कर चुके हैं उसके मटेरियल को उस प्लेटफॉर्म को ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स डिसेबल्स होते हो सकते हैं डिसेबल्स स्टूडेंट्स की रसाई हासिल ना हो उस प्लेटफॉर्म तक ठीक है या उनको अच्छी समझ ना आई हो ठीक है तो ये तमाम मसाइल ये असेसिबिलिटी जितने मसाइल हैं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए नेक्स्ट टाइप वॉज लर्निंग स्टाइल्स अडॉप्टिंग टीचिंग मैथर्स टू गेट टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स इन एन ऑनलाइन इन्वामेंट रिक्वॉर्स एडिशनल एफर्ट अब जो नेक्स्ट बताया गया वो ये है कि आप जो टीचर टीचिंग मैथड स्टाइल यूज़ कर रहा है ठीक है तो हो सकता है वो इफ़ेक्टिव ना हो स्टूडेंट्स के लिए तो वो ऐसा मैथड यूज़ करे ऑनलाइन टीचिंग में जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेटर हो तमाम स्टूडेंट्स सीख सकें उस मेथड के थ्रू और टीचर हो सकते हैं ऐसा मेथड यूज़ कर ले ठीक है वो स्टाइल यूज़ कर ले, लेकिन उसमें हो टीचर को ज़्यादा एफर्ट यूज़ करनी पड़ जाए ठीक है ज़्यादा टाइम लेना पड़ जाए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेक्स्ट इक्विटी एंड एक्सेस डिस्पेरिटीज़ नॉट आर स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी आर आर कंड लर्निंग एनवायरमेंट एट होम क्रिएटिंग एडिशनल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ अब जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हो सकता है तमाम तो स्टूडेंट्स को इक्वल रसाई हासिल ना हो टेक्नोलॉजी तक ठीक है हो सकता है तमाम स्टूडेंट्स का इन्वामेंट घर का माहौल एक जैसा ना हो ठीक है एक स्टूडेंट्स का माहौल पुरसकूँ न दूसरे के माहौल में उसके घर में शोर हो उसका घर ऐसी जगह पर हो तो ठीक है ये भी तमाम चीज़ें जो है ना तालीम को मुंतशर करती हैं नेक्स्ट सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में अफेक्ट स्टूडेंट्स एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्स Is for online learning. अब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं ठीक है मीनस की कुछ स्टूडेंट्स ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनकी जो सोशो इकोनॉमिक लेवल होता है वो हाई होता है कुछ मीडियो का कुछ तो बिल्कुल लो होते हैं उनका जो है ना इतना उनकी आमदन नहीं होती तो वो ऑनलाइन रिसोर्स मींस की टेक्नोलॉजी तक रिसाई हासिल नहीं कर पाते होता है वो मोबाइल पर चूज़ ना कर सकती हूँ हो सकता है वो लैपटॉप कुछ भी जो भी आप ऑनलाइन टीचिंग में रिसोर्स यूज़ करते हैं उस तक उन टेक्नोलॉजी टूल्स तक उनकी रसाई हासिल ना हो तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ऑनलाइन टीचिंग का नेक्स्ट पेरेंटल सपोर्ट पेरेंटल इन्वॉलमेंट मीन्स के पेरेंट्स का ऑनलाइन टीचिंग में शामिल होना अपने बच्चों को तोज्जा देना ठीक है उनका काम वगैरह चेक करना पेरेंटल सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द स्टूडेंट पेरेंटल इन्वॉलमेंट इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन लर्निंग में एसेंशियल बट चैलेंजिंग टू अचीव अच्छा अब यहाँ पर कहा गया कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू एज अगर बच्चा बहुत छोटे है तो उसकी ज़्यादा तो उसको, उसको काम चक्कर उसको पढ़ाएँ ठीक है उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें अगर अगर बच्चा बहुत बड़ा है तो फिर भी उसकी स्टडी में उसकी हेल्प करें ठीक है अगर उसको कुछ चाहिए कोई स्पोर्ट चाहिए तो वो उसको कोई चीज़ चाहिए कुछ टूल्स वगैरह कोई लर्निंग मटेरियल तो उसको प्रोवाइड करें ठीक है तो ये पेरेंट की सपोर्ट हासिल करना ऑनलाइन टीचिंग में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कुछ पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं वो तो जब नहीं देते नेक्स्ट असेसमेंट एंड इवेलुएशन चीटिंग इट मे बी मोर चैलेंजिंग टू मोनीटर एंड प्रिवेंट चीटिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन असेसमेंट। अब ऑनलाइन असेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है जैसा कि अक्सर कोइजेस वगैरह होते हैं तो आजकल के बच्चे क्योंकि बहुत फास्ट हैं ठीक है ठीके? हो सकता है वो कोइज़ के साथ साथ सेकेंड मोबाइल यूज़ कर लें ठीक है वहाँ से वो गूगल करके अपने आंसर अपनी कोई वगैरह सॉल्व करके सबमिट करा दें तो इस तरह इसमें जो है ना चीटिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है नेक्स्ट अथेंटिसिटी ऑफ वर्क वेरीफाइंग दथेंटिसिटी ऑफ स्टूडेंट वर्क कैन बी मोर डिफ़िकल्ट इन वर्चुअल सेटिंग्स फिर इसमें वही बात आ गई कि अथेंटिसिटी नहीं होती स्टूडेंट्स के काम में उसको वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है इसलिए ऑनलाइन टीचिंग में एक टीचर सही से सहस नहीं कर पाता आया कि उसके स्टूडेंट ने कितना लर्न कर लिया है कितना बाकी है कौन सी उसमें खामियां बाकी हैं कौन सी उसमें इम्प्रूमेंट्स करनी है क्योंकि यहाँ पर टीचिंग चीटिंग ज़्यादा होती है ऑनलाइन एजुकेशन में ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन टीचिंग में अड्रेसिंग दीज चैलेंज रिक्वायर्स कम्बिनेशन ऑफ सपोर्टि पॉलिसीज़ प्रोफेशनल डिवेलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑन गोइंग कोलाबोरेशन बिटवीन एजुकेटर स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स अब इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें जो है ना सपोर्टिव जो पॉलिसी हैं उनका कम्बीशन ठीक है प्रोफेशनल डिवेलपमेंट के मौक़े और जो है एजुकेटर्स हम टीचर्स स्टूडेंट्स और जो एजुकेशन स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरम्यान कोलाबोरेशन बाहम्य बढ़ना बाहम का होना बहुत ही ज़रूरी है तब जाकर इन चैलेंज से निपटा जा सकता है जजाक फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज